नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स पर दोस्तों ठीक सात बज चुके हैं और सुबह सात बजे आप सभी को पता है कि हिंदी के तीस महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट होता है दोस्तों तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों हिंदी के टॉप मोस्ट थर्टी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ दोस्तों ठीक सात बज चुके हैं दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए चलिए दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोगों को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ और वीडियो एकदम क्लियर है क्या ताकि हम इस टेस्ट की शुरुआत कर सकें दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों सुप्रभात सभी को चलिए बहुत ही बढ़िया तो शुरू कर दें टेस्ट दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दो शुरू कर दें क्या टेस्ट तैयार हो आप सब लोग नई ऊर्जा के साथ में दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की एक सौ इकहत्तर से लेकर दो सौ तक एक सौ इकहत्तर से लेकर दो सौ तक दोस्तों तीस क्वेश्चन है और आपके तीस में से कितने सही होते हैं दोस्तों लास्ट में आपको बता के जाना है तो ध्यान से इस टेस्ट को देगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है एक सौ इकहत्तर नंबर ज्ञानेन्द्रिय का विलोम शब्द क्या होगा अंग हृदय धर्मेंद्रिय या कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रिय का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों एक सौ का चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वन सेवनटी वन यानी पहले क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन का राइट right आंसर दोस्तों एक सौ इकहत्तर का राइट right आंसर आपका डी ऑप्शन रहेगा कमेंद्रीय यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है ठीक है डी ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों एक बार लाइक like और शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी साथी जो है हमसे जुड़ सके दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक सौ बहत्तर नंबर आपके सामने है अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों ये बताना है बंजर अनावृष्टि शुष्क या बहुवृष्टि वन सेवेंटी टू दोस्तों आपके सामने है अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है बंजर अनावृष्टि शुष्क या बहुवृष्टि जल्दी से बताइए दोस्तों वन सेवन टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपको यह कमेंट करके बताना है वेरी गुड दोस्तों इसका राइट आंसर काफी लोग बता रहे हैं अनावृष्टि हो जाएगा अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है राइट आंसर है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों कौन सा शब्द ब्रह्मर का पर्याय वाची नहीं है मधुप अली भोरा या सफरी बताइए दोस्तों कौन सा शब्द भ्रमर का पर्याय वाची नहीं है इनमें से मधुप अली भौरा या सफरी चार ऑप्शन आपके सामने हैं बता दीजिए कि भोंरा का या भ्रमर का पर्याय वाची कौन सा नहीं है वन सेवेंटी थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए 30 सुपर 30 क्वेश्चनों का ये सेट है दोस्तों चलिए वन सेवेंटी थ्री का राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों सफरी यहाँ पर जो है वह भ्रमर का पर्यायवाचि नहीं है बाकी तीनों हैं तो डी ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों अगला देखिए दोस्तों किस क्रमांक में अम्बुज व अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है अम्बुज और अम्बुद जल्दी से कमेंट करके बताइए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपके हैं कमल और बादल पृथ्वी और आकाश जल और धरती या गुलाब और बादल बताइए दोस्तों वन फोर का राइट आंसर अंबुज और अंबुद समानार्थी शब्द है दोस्तों चलिए दोस्तों अंबुज का मतलब कमल होगा और अंबुद का मतलब बादल होगा ठीक है ए ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया है वन फोर का बिल्कुल सही सोचा है मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार लाइक शेयर करते है दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों निम्न में से परिमाण और परिणाम परिमाण और परिणाम शब्द का सही अर्थ भेद क्या है एक सौ पिछहत्तर नंबर आपके सामने है दूरी फल मात्रा और नतीजा दूरी मोटाई मात्रा दूरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर है दूरी मोटाई और डी ऑप्शन है आपका मात्रा और दूरी आप बताइए दोस्तों परिमाण और परिणाम दोस्तों ध्यान से पढ़ना आपको यहां पर सही अर्थ क्या हो जाएगा इनका एक सौ पिचहत्तर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों एक सौ पिचहत्तर का राइट आंसर चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों वन सेवेंटी फाइव नंबर दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा परिमाण का मतलब होता है मात्रा और परिणाम का मतलब होता है दोस्तों नतीजा या फल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल मात्रा और नतीजा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है जिन दोस्तों ने बी बताया बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ना अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है दोस्तों चार शब्द हैं पौराणिक पुराणिक पौराणिक या पौराणिक चार शब्द आपके सामने हैं किस क्रमांक का शुद्ध शब्द है दोस्तों ये बताना आपको 176 काफी बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चलिए एक का कमेंट करो देख के सभी लोगों को कमेंट करना है एक का दोस्तों बहुत ही बढ़िया पौराणिक दोस्तों ए ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा 176 का राइट आंसर ए ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों सभी को गुड मॉर्निंग जो भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों लाइक शेयर करते रहिए ए ऑप्शन सही है पौराणिक यहाँ पर शुद्ध शब्द है ठीक है एक सौ सतहत्तर पर आ जाइए किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है अब वाक्य कौन सा शुद्ध है ये पता करना है पहला ऑप्शन है सभा विसर्जित हो गई दूसरा ऑप्शन है प्रातःकाल के समय घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है तीसरा ऑप्शन है शायद आप अवश्य आएंगे चौथा ऑप्शन है कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे बताइए वन सेवेंटी सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों एक सौ सतहत्तर नंबर का राइट आंसर बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है एक सौ सतहत्तर नंबर आपके सामने अवेलेबल है चलिए एक सौ सतहत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों सभा विसर्जित हो गई ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा ये वाक्य शुद्ध है बाकी सारे के सारे अशुद्ध है तो सभा विसर्जित हो गई दोस्तों ये ऑप्शन ए ऑप्शन जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ एक सौ अठहत्तर पर आ जाइए एडी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों एडी चोटी का जोर लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है ऑप्शन है बहुत कोशिश करना दूसरा है दुख को और बढ़ाना तीसरा है अवसर का लाभ उठाना चौथा है विपरीत कार्य करना बताइए 178 का राइट आंसर क्या होगा एडी चोटी का जोर लगाना मुआवरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों ये बताना है चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है 178 का करेक्ट आंसर काफी लोगों ने सही बताया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा बहुत कोशिश करना इस मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों सात बजे डेली क्लास होती है हिंदी की सात बजे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों कफन सिर पर बांधना मुआवरे का सही अर्थ क्या है पहला ऑप्शन है प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना दूसरा ऑप्शन है जान लेना तीसरा ऑप्शन है सिर पर कपड़ा बांधना चौथा ऑप्शन है काट की तरह सूख शुष्क होना ठीक है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये लीजिए कफन सिर पर बांधना मुआवरे का अर्थ क्या है एक ऑप्शन ऊपर है तीन ऑप्शन नीचे लिखे गए हैं बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा वन सेवनटी नाइन का दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया वन सेवनटी नाइन का दोस्तों पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऊपर दिखाई दे रहा है प्राण न्युछावन करने के लिए हमेशा तैयार रहना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन ठीक है अगला देखना दोस्तों अगला गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है पहला ऑप्शन है असंभव कार्य करना दूसरा है बात को बिगाड़ना तीसरा है रीति के विपरीत कार्य करना चौथा है गंगा की धारा को पलट देना 180 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों गुड़ गोबर कर देना मुआवरे का सही अर्थ क्या है चलिए 180 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी काफी लोग बता रहे हैं करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा गुड़ गुड़ गोबर करने का मतलब है बात को बिगाड़ देना अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों विपद प्लस जाल का सही संधि विच्छेद या संधि शब्द क्या होगा विपद प्लस जाल का सही शब्द कौन सा होगा दोस्तों विपजाल विपजाल विप विपत्ति जाल या विपोजाल चार आपके सामने ऑप्शन है एक सौ इक्यासी नंबर का राइट आंसर अब आपको कमेंट करना है दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए चलिए जल्दी से क्विक कमेंट करेंगे दोस्तों सभी दोस्तों को लाइक और शेयर करना है इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों बहुत बढ़िया ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक सौ इक्यासी का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा विपजाल ये वाला विपजाल बनेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दस बारह लोगों ने उसे बुरी तरीके से पीटा बुरी तरह से पीटा रेखाकृत पद में कौन सा समास है दस बारह इसके नीचे अंडरलाइन है दस बारह लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा तो दस बारह में कौन सा समास है द्विगु द्वंद कर्मधार्य या अवयवी भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला एक सौ नंबर का राइट आंसर बताइए दोस्तों दस बारह में कौन सा समास है बिल्कुल काफी लोगों ने पहचाना है दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों दस बारह में आपका कौन सा है द्वंद्व समास है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों न्यून में कौन सी संधि है यण दीर्घ वृद्धि या अदी चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है न्यून में कौन सी संधि है दोस्तों ये बताना आप सभी को चलिए न्यून में कौन से हो जाएगी दोस्तों बिल्कुल यर्ण संधि है न्यून में ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा नी प्लस ऊन न्यून बनेगा तो आपकी यण संधि हो जाएगी ए ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है आगे देखना नास्तिक में कौन सा समास है तत्पुरुष द्विगु बहुब्रिया द्वंद एक सौ चौरासी नंबर आपके सामने है दोस्तों चलिए एक सौ चौरासी का राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों तत्पुरुष रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है वन एटी फोर का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों उपसर्ग किसका द्योतक है भीतर का अवभाव या निषेध का अधिक का या अनुकूल का बताइए दोस्तों एक सौ पिचासी नंबर आपके सामने है कि अन्य उपसर्ग किसका द्योतक है किसका अर्थ प्रदान करता है अन उपसर्ग जो है दोस्तों वह किसका अर्थ प्रदान करता है ये बताना आपको चलिए अन उपसर्ग जो है मेरे प्यारे साथियों वह अभाव या निषेध का अर्थ का धोतक है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक सौ पिचासी का बी ऑप्शन सही रहेगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए एक सौ छियासी उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है एक उर्दू उपसर्ग ला यह किस अर्थ में उपयुक्त होता है अधिक अच्छा प्रत्येक या बिना बताइए एक सौ छियासी का राइट आंसर वन एटी सिक्स का राइट आंसर बताना है ला एक उर्दू उपसर्ग है यह किस अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों चलिए करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा बिना अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है वन एटी सिक्स का डी अगला देखिए जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उनको क्या कहते हैं संधि उपसर्ग प्रत्यय या समास बताइए वन एटी सेवन का राइट आंसर दोस्तों हर प्रकार का सवाल आपको मिल जाएगा दोस्तों बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं उपसर्ग बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी लोगों ने बता दिया था अगला देखिए किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है मृदानगी टोपी वाला बपोती और बहुतायत बता दीजिए कि भाववाचक प्रत्यय जो है किस में नहीं है ये बताना है दोस्तों वन एटी एट का राइट आंसर चलिए सभी दोस्तों को कमेंट करना है जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा वन एटी एट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों टोपी वाला बी ऑप्शन ठीक है भाववाचक प्रत्यय टोपी वाला में नहीं है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वन एटी एट का वन एटी नाइन क्या कह रहा है कि हाथ में रखकर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है अस्त्र शस्त्र तर्कश या तीरंदाज। वन एटी नाइन का राइट आंसर अब आप सभी को कमेंट करना है कि हाथ में रखकर चलाए चला जाने वाला हथियार क्या कहलाता है दोस्तों वन एटी नाइन का राइट आंसर दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों शस्त्र कहलाता है हाथ में रखकर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है ठीक है नब्बे नंबर देखिए मरने की इच्छा क्या कहलाती है वो भुक्सा मुरमुरसा या युयुत्सा जल्दी से बताइए दोस्तों एक सौ नब्बे का राइट आंसर मरने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों मृ्मज्ञ बुभुक्सा युयुत्सा बताइए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द एक सौ नब्बे नंबर आपके सामने अवेलेबल है राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएँ वेरी गुड काफ़ी लोगों का आ रहा है राइट आंसर मोमर सा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों टेस्ट देने का डेली आपके लिए सात बजे टेस्ट लाते हैं दोस्तों हिंदी का टेस्ट एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि मिले और मैं आगे बढूं दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए आपको अशुद्ध शब्द छाँटना है शब्द कौन कौन से हैं सारथी प्रोड ऐश्वर्य या न्योछावर दोस्तों कम दिखाई दे रहा था मैं बोल रहा हूँ सारथी प्रोड ऐश्वर्य या न्योछावर अशुद्ध शब्द का चयन करना दोस्तों 191 में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों चलिए एक सौ इक्यानवे का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा इस ए पर मात्र आएगी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है ठीक है अगला देखिए इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ क्या है hai, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ बताना है पहला ऑप्शन है तुरंत फल पा लेना पा जाना दूसरा है तुरंत चले जाना तीसरा है तुरंत पहुंच जाना चौथा है जल्दी जल्दी बोलना वन नाइन्टी टू का राइट right आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए अब आप लोग चलिए दोस्तों वन नाइन्टी टू का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरंत फल पा जाना इस हाथ देना उस हाथ लेना ठीक है ए ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है एक सौ तिरानवे नंबर पर आ जाइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बर्फ पड़ते देख बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली वाक्य है किस प्रकार का जल्दी से बताइए संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य सरल वाक्य या जटिल वाक्य बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों 193 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों वाक्य आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए थे राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए बहुत ही बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है बर्फ पढ़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली सर, सरल है सरल वाक्य है साधारण वाक्य अगला देखिए इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है अनुग्रहित सुर्षा श्रृंगार आशीर्वाद बताइए वन नाइन्टी फोर का राइट आंसर अशुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना वन नाइन्टी में बिल्कुल दोस्तों 194 का कमेंट करना है लाइक और शेयर करते रहना मेरे प्यारे साथियों उनमें कमी नहीं आनी चाहिए कहने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 194 का ए जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है अगला क्वेश्चन देखना इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए तुष्टिकरण करने की नीति अपनाकर कर ने तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है ये एक पूरा सेंटेंस है एबीसीडी में जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें आपको अशुद्ध भाग कौन सा है एबीसीडी में वो ढूंढना है तुष्टिकरण करने की नीति अपना कर ने तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है 195 का राइट आंसर अब आपको कमेंट करना है आराम से चलिए 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तुष्टिकरण करने की ये यह यहाँ से गलत है दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन दोस्तों ने बताया बहुत बढ़िया बताया अगला देखिए एक में इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए फिर से हैं वाक्य जो लोग धन को परिवार से अधिक महत्व देते हैं वह बाद में पछताते हैं बताइए दोस्तों 196. अशुद्ध भाग कौन सा है चलिए दोस्तों इसका अशुद्ध भाग कौन सा है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बाद में पछताते हैं डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों यह अशुद्ध है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है कौन सा गलत है ये बताना है पहला ऑप्शन है किए वे उपकार को मानने वाला कृतगन दूसरा है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कुलीन तीसरा है जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर चौथा अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है चलिए सभी को आना चाहिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल वन नाइन्टी सेवन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यही गलत है दोस्तों उपकार को मानने वाला किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है कृतगन नहीं कहलाता है दोस्तों ठीक है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वन नाइन्टी सेवन में जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट है इसी प्रकार का एक और शब्द सवाल आ चुका है कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है बताइए पहला ऑप्शन है दूसरों के दूसरों में केवल दोषों को खोजने वाला छिंद्रवेशी दूसरा ऑप्शन है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाहे विशा तीसरा है आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी चौथा है ध्यान ने करने योग्य अथवा लक्ष्य करने योग्य बताइए वन एट का राइट आंसर चलिए दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा दोस्तों जी जी विशा नहीं कहलाती है जी जी विशा तो जीवित रहने की इच्छा कहलाती है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा राइट आंसर है जिन लोगों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ना जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं सर्वज्ञ अल्पज्ञ अगोचर्यतरया अंतर्यामी बताइए वन नाइन्टी नाइन वन नाइन्टी नाइन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों चलिए जो सबके मन की बात जानते हो दोस्तों सभी का राइट आंसर आना चाहिए अंतर्यामी कहते हैं दोस्तों से क्या कहते हैं कहते हैं ना कि आप तो अंतर्यामी हो सबके मन की बात जानते हो ठीक है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है हिंदी की क्लास का आज का अंतिम प्रश्न जो कार्य अवश्य होने वाला हो उपयुक्त शब्द है अनिवार्य ऐच्छिक अवश्य अवश्य भावी या अल्पकालिक बताइए दो सौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए बताना दोस्तों गलत नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों इसमें थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा चलिए दो सौ नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों अवश्य भावी क्या रहेगा अवश्य भावी ठीक है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के हिंदी के कुल तीस क्वेश्चन और तीस में से आपके कितने सही हुए आप ईमानदारी से अब कमेंट करके बता दीजिए तीस में से आपके कितने क्वेश्चन हुए दोस्तों ये बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए आपके तीस में से कुल तीस क्वेश्चन हमने देखे हैं चलिए कमेंट कर दीजिए दोस्तों दस बजे अपनी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होगी मेरे प्यारे साथियों दस बजे जो है शिक्षण अभिरुचि की क्लास होने वाली है आप मिस मत करना पचास महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों चलिए बहुत ही बढ़िया तो दोस्तों हिंदी के टेस्ट में इतना ही मिलते हैं दस बजे वाली क्लास में तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत थैंक यू